करते हैं हम HP स्कैनजेट प्रो 4500FN1 का, ठीक है। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया, आपको पता नहीं है कैसे काम करता है, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे काम करता है, कैसे आपको सेटअप करना है, फुल ड्राइवर इंस्टॉल करना है, वाईफाई से इसे नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क फोल्डर शेयर को कैसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं और कैसे वाईफाई से कनेक्ट करके हम इसे चेक करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम वाईफाई पे ही काम करेंगे इसका, तो कृपया अंत तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले है, तो सबसे पहले हम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे वाईफाई सिंबल पे, ठीक है। ये देखिए वाईफाई सिंबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बार हम क्लिक करेंगे वायरलेस पे, वायरलेस पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमारा वाईफाई नेटवर्क होगा यहाँ पे दिखा देगा, शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा HOTRC वी नेशन HO, हम क्लिक करेंगे हमारा HOTRC पे। तो यहाँ का जो हमारा पासवर्ड है हम एक बार डाल के कंटिन्यू करते हैं, जो भी पासवर्ड है, तो पास हमारा एड्रेस पास, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है, मेरा इस केस में यही है @123456, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिख रहा है। जैसे कनेक्टिंग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको चलेंगे सिस्टम में देखेंगे, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं USB के, तो USB हम केबल लगा लेंगे यहाँ पे, केबल लगाने के बाद स्कैनर में हमें लगाना होगा, यहाँ पे एक USB पोर्ट दे दिया होता है, आप देखेंगे इस साइड में, ये देखिए यहाँ पे एक USB पोर्ट होता है, तो यहाँ पे लगाना, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन पोर्ट भी होता है, देखिए आप लाइन के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लाइन पोर्ट दिया, ठीक है। तो USB के थ्रू हमने कनेक्ट कर लिया, अब चलते हैं सिस्टम पे, तो सिस्टम पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर डिटेक्शन आ चुका है, बस इसका ड्राइवर नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको लार्ज, यहाँ पे मीडियम कर लेते हैं, मीडियम करने के बाद देखिए यहाँ पे अन स्पेसिफाइड में आ गया है, ठीक है। अब इसका हम ड्राइवर डाउनलोड करेंगे दोस्तों, एक बार और देखते हैं, अगर ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया है। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट स्कैन कर देंगे, ठीक है, तो एक यहाँ पे टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्कैन करके देखते हैं कैसा फास्ट करता है, क्या करता है, कैसे, तो अंत तक बने रहिए। ये यहाँ पे कुछ अच्छा इस तरह से काम करता है। सो गाइस, आपको यहाँ पे एक पेज लोड करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करके, यहाँ पे देखिए ये ADF होता है, ठीक है, और नीचे इसके होता है फ्लैट बेड, फ्लैट बेड यहाँ पे होता है जो हमें फुट नॉर्मल काम करना कराना है। तो देखिए बिल्कुल नई है स्कैनर, इसको हटाएंगे फिर चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम वापस रख देंगे क्योंकि ये कस्टमर का क्लाइंट साइड पे जाएगा, सिर्फ चेक करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नई है, तो इसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इसको हटा लेंगे, ओके। हटाने के बाद यहाँ पे पेज लोड करना आपको अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट स्कैन, ठीक है। फ्लैट फ्लैट बेड पे गया तो फ्लैट बेड नहीं सेलेक्ट होना चाहिए आपका, AD यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लैट बेड है, फ्लैट बेड की जगह आप स्कैन कर रहे हो तो आपको ऊपर नीचे वाले से तो फ्लैट बेड से करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर लेना होगा बोथ साइड फीडर, यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देना होगा, तो फिर यहाँ से पेपर लेना चालू कर देंगे। देखिए जैसे इस केस में लिया, पेपर तिरछा था तो इस वजह से देखिए पेपर आप सीधा पेपर लगाइए, देखिए फटा वाला पेपर नहीं और स्ट्रेट हो बिल्कुल, कि क्योंकि पेपर स्ट्रेट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, स्कैन करके पेपर जैम कर देगा जैसे अभी किया है। तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिए पेपर को, ठीक है, और यहाँ पर एक बार क्लोज करेंगे, ओके। तो जैसे पेपर आपका एडजस्टमेंट सही नहीं होगा तो उस केस में क्या करेगा, अभी देखिए दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देगा द पेपर फीडर इज जाम, ऐसे लिख देगा, तो डोंट वरी, आपको ऐसे क्लोज कर देना है पेपर, मेक श्योर आपका सीधा हो, यहाँ पे स्कैन फ्लैट बेड है तो फिर आपको फीडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आता है, उसको भी देखें कैसे, देखें यहाँ पर स्कैन होना चालू कर दिया फटाफट, देखिए फास्ट स्कैन कर रहा है। तो ये आपको निकाल लेना है ये फॉर्म, नहीं तो ये इकट्ठा कर देगा पेपर, जैसे अभी दिखाते हैं कैसे इकट्ठा कर रहा है, ये देखिए कितना फास्ट स्कैन कर रहा है। यहाँ पे देखिए 14 पेज तक स्कैन हो गया, 17, 18, देखिए यहाँ पे स्पीड देखिए 19, 20, फास्ट स्पीड है। और ये नेटवर्क भी होता है, बिना USB के भी चेक करेंगे अभी,
ठीक है, यहाँ पे देखिए पेपर समाप्त हो चुका है। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इतने सारे डॉक्यूमेंट इसने स्कैन कर दिया। ये देखिए अभी सारे चेक करेंगे क्वालिटी स्कैन वाइज, ठीक है। तो चलते हैं अपने सी ड्राइव, यहाँ पे दिखा देगा। ओके, चलेंगे डॉक्यूमेंट में, चलेंगे ईमेल में चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 25/4 का ये डेट है। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे इस तरह से थे। एक बार ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए स्कैनिंग क्वालिटी कैसी है, अभी थोड़ा समय लग रहा है खुलने में, बट ये यहाँ पे खुल के दिखाएगा। ये देखिए जो हमारी स्कैनिंग क्वालिटी बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा है। जिस तरह से प्रिंट मैटर प्रिंट है उसी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक पेज था उसका चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वालिटी का देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, तो कुछ भी नहीं आया। ये साइड का जो जहाँ से तिरछा लगा हुआ था उस वजह से आ रहा है। और ये हम फॉर्म नहीं निकालेंगे तो ये इसके नीचे रहेगा, तो इस तरह से कुछ इकट्ठा कर देगा पेज को। देखिए ये देखिए पेज को कैसे इकट्ठा मोड़ के कर दिया यहाँ पे, देखिए। तो इस तरह से आप निकाल के करिए, नहीं तो आपका ये पेपर जैम भी कर देगा और स्कैन भी इस तरह से पेपर को फोल्ड कर देगा ऐसे ही, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेटवर्क से, देखते हैं एक पेज लगा के ऐसे फॉर द टेस्टिंग। तो ये अभी सही काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। अब नेटवर्क से स्कैन करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिया है तो इससे हम कर सकते हैं। देखिए नेटवर्क, अब यहाँ से यूएसबी निकाल के करते हैं, देखिए वो भी है, हमारा स्कैन करेगा। तो इसका आईपी है 1.0.192.168.0.100, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ से आईपी डाल के ऐड करेंगे, फिर इससे हम स्कैन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा समय लेगा जो नेटवर्क में है उसे स्कैन करने में। तो कुल मिला के बेस्ट है हमारा ADF स्कैनर प्रो है। इसमें कमर्शियल यूज़ के लिए लिया जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। 50-60,000 का स्कैनर आता है। यहाँ पे नॉट फाउंड लिख दिया, ऐड डिवाइस पे जाएंगे अगेन। ओके, यहाँ पे आ गया, देखिए स्कैनर F11, ठीक है। स्कैनर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ओके। HP किसी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग लिख रहा है, तो ये वाईफाई से ऐड हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। हमने यहाँ पे डबल राइट क्लिक करके स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे भी फ्लैट बेड है, तो यहाँ पे हमें फीडर स्कैन करना है बोथ साइड, और स्कैन करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्कैन करने लगेगा, ठीक है। ये देखिए स्कैन किया, ये देखिए स्कैन करके और यहाँ पे दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए थोड़ा सा नेटवर्क से लाइन लगा लेंगे तो फास्ट होगा, नहीं तो स्लो होता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।